हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये बेसिकली एक कोर्स अनाउंसमेंट के लिए वीडियो लाया गया है, प्लस इस वीडियो में आपको डेमो लेक्चर दिया जाएगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो हम लॉन्च कर रहे हैं नायब तहसीलदार का कोर्स जो ऑन एयर होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त इसको परचेज करने के लिए आपको नीचे लिंक दी गई है वेबसाइट की, वहां पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं 1000 रुपीज में। एंड आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी बाय कर सकते हैं, दैट मीन्स 500 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको कोर्स के हाईलाइट बताऊंगी एंड हमारा लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ जेएनके का जो पूरा कोर्स है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पेड कोर्स में आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको वीडियोज मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मेरी वेबसाइट से देखने होंगे, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीशन होगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, प्लस सम लाइव क्लासेस आल्सो। प्लस आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, जो भी आप वीडियो देखोगे उसके बेसिस पे कुछ क्विज आपको सॉल्व करने होंगे। एंड अगर आप रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसके आपको डेली प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेस्ट सीरीज होगी नायब तहसीलदार की वो इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, एंड कुछ रिवीजन वीडियोस जो है वो भी आप इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है, ऑल्दो वी नो कि अभी नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो नहीं आया है, बट एक्सपेक्टेड है कि वो पटवारी की लाइंस पे ही होगा। एंड जो उसमें एडिशन है वो हम वीडियोस में अपडेट कर देंगे। ठीक है, प्लस अगर उर्दू कंपल्सरी हुआ तो वो भी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो जो हिस्ट्री है, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा एंशंट होता है, एक हमारा मिडिवल पीरियड है, एंड लास्ट में हमारा मॉडर्न पीरियड आता है। सिमिलरली जब हम इंडियन जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको कुछ एंशंट पोर्शन पढ़ना होगा, फिर हम कुछ मिडिवल पोर्शन भी देखेंगे एंड कुछ मॉडर्न पोर्शन भी देखेंगे। एक्सपेक्टेड है कि 7, 8 to 9 लेक्चर्स में आपका जो ये कोर्स ये सब्जेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री से। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सोर्सेस, कि हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलता है। ठीक है, देखो हिस्ट्री के लिए सोर्सेस जो है वो पढ़ना, वो लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है। एंड हिस्ट्री वो एरिया है, वो पोर्शन है लोगों की जिंदगियों का जो चला गया है। ठीक है, तो कोई सोर्स होगा ना जहां से हमें उस गुजरी हुई जिंदगी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो बुक्स होंगी, कोई फॉरेनर्स होंगे जो इंडिया में आए होंगे, फिर कश्मीर जिन्होंने विजिट किया होगा एंड बताया होगा कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने कश्मीर को लेके कुछ बुक्स लिखी हैं, वो बुक्स आपको इसमें याद रखनी है, प्लस वो लोग कौन थे उनके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइन, तो अगर हम ओरिजिन ट्रेस करें कश्मीर का, तो वो हमें ले जाता है एंशियंट पीरियड में। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी या नहीं भी पढ़ी होगी, बेसिकली हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं स्टोन एज में, जो हमारा एंशियंट वाला टाइम होता है, स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। फिर आ जाता है लेटेस्ट स्टोन एज, जिसको हम मीजोलिथिक बोलते हैं। एंड लास्टली हमारा नियोलिथिक। ये नियोलिथिक है आपका 7000 to 4000 BC वाला टाइम। ठीक है, ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री, यही हमारा कंप्राइज होता है। और जब इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं केएएस के लिए या आईएएस के लिए, तो उसमें हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को डिटेल में पढ़ना होता है। अब ये इंडिया का चल रहा है। ठीक है, अब कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो इस पोर्शन में एंशियंट इंडिया में हम कहाँ से ट्रेस करते हैं, उसको हम नियोलिथिक से ट्रेस करते हैं। नियोलिथिक, या उसको आप बोल सकते हो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये हमारी स्टोन एज आ गई, जैसे मैंने कहा ये आपका ओल्ड है, लेटर स्टोन है एंड आपका न्यू स्टोन एज है। उसके बाद इंडिया में एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन चली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो जो ये न्यू स्टोन एज है ये आपका प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम है, और इसी वाले टाइम में हमने कश्मीर के कुछ हमें रिमेन्स मिले थे कई जगहों पे। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें मिली थी। फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जब उन्होंने वहां पे खुदाई की, जिसको एक्सकेवेशन बोलते हैं, तो जो चीजें उनको वहां से मिली वो चीजें इनमें से किस टाइम पीरियड की थी, वो चीजें इनमें से थी नियोलिथिक टाइम की। ठीक है, तो
क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी? चार नियोलिथिक साइट्स जो है देवर सिस्टमैटिकली एक्सकेवेटेड एक्सटेंसिवली. जो नियोलिथिक रिमेन्स है, नियोलिथिक रिमेन्स क्या हुआ, वो प्रोडक्ट जैसे पॉटरी यहाँ पे देख लो, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हो गए, मेटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारे रिमेन्स थे. ये हमें काफी साइट्स पे मिली थी. कहा जाता है ऑलमोस्ट नाइन, अराउंड नाइन साइट्स पे हमें नियोलिथिक रिमेन्स मिले थे. फिर कौन से साइट पे प्रॉपरली एक्सकेवेशन हुई थी और ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया गया था कि इन इन जगहों पे नियोलिथिक साइट्स जो हैं कश्मीर में वो प्रेजेंट थी, वो कौन कौन से एरिया से? बुरजहामा, गुस्कलाल, सिमथन एंड कनिसपुर, ठीक है, ये चार साइट्स. तो नियोलिथिक साइट्स जो हैं कश्मीर की वो कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके एमसीक्यू के लिए, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है. एंड वहां से हमें क्या क्या चीजें मिली थी? पॉटरी, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, स्टोन ऑब्जेक्ट्स, पेस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कवर हुई थी. जब ये चीजें यहाँ पे मिली तो वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट गए, उन्हें एक्सकेवेशन की, फाइन, उन प्रोडक्ट्स को, वहां पे कुछ साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई एंड फिर पता लगाया कि ये साइट कौन सी साइट थी. तो ये साइट थी हमारी नियोलिथिक, जिसको हम प्री इंडस वैली भी बोलते हैं या उसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है. अब मैं साथ साथ आपको डिफरेंट नाम क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ. हो सकता है एग्जाम में नियोलिथिक नहीं लिखा हो, प्री इंडस वैली लिखा हो, नियोलिथिक नहीं लिखा हो और या न्यू स्टोन एज लिखा हो, ठीक है. तो वहां से हमें चार साइट्स मिली. ये हमारा एंशंट वाला आ गया, अभी हम उसी में चल रहे हैं. कश्मीर इन वैदिक इंडिक कल्चर, ठीक है. तो एंशियंट स्क्रिप्चर्स में कहां पे, जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स भी हैं उसमें कहां इनका जिक्र था, इन कश्मीर के बारे में लिखा गया था, वो लिखा था महाभारत में. इट मेंशंस कश्मीर, कश्मीर के किंग थे किंग गोनांडा, उसके बारे में महाभारत में लिखा हुआ है. ऋग्वेदा में कश्मीर के और इसके सराउंडिंग रिवर्स के बारे में, जैसे जहलम वगैरह के बारे में ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, ठीक है. एंड जो ये वर्ड कश्मीर है, कश्मीर ऐसा बोला जाता है, जो एक का है इसका मतलब होता है वाटर. ये बेसिकली संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, संस्कृत, ठीक है. का मीन्स वाटर एंड शमीर मीन्स टू डेसिकेट. डेसिकेट होता है किसी भी चीज का मॉइस्चर खत्म कर देना, ड्राई कर देना लैंड को, ठीक है. तो क्या बोला जाता है, एक सेज है, उन्होंने इसमें एक ब्रेक किया, ठीक है. सेंट ने, साधु जिनको बोलते हैं, ये रिलीजियस थियरी है कि कश्मीर को, एक पानी था काफी सारा, ठीक है, उसको क्या किया, ब्रेक किया गया एंड वो जो सारा पानी है वो निकला, ड्रेन हुआ सारा वाटर एंड जो लैंड है वो ड्राइड अप लैंड, वो आपका बना, जिसको हम प्रेजेंट डे कश्मीर के नाम से जानते हैं. और उन सेज का क्या नाम था, सेज कश्यपा, ठीक है. अब हम देखते हैं कुछ सोर्सेज, मैंने आपको कहा था हम बुक्स पढ़ेंगे इसमें, किन किन बुक्स में कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है. तो वैसे एक इंपॉर्टेंट बुक है निर्मत पुराना, ये डिस्क्राइब करती है कश्मीर रूलर्स एंड सेक्रेट प्लेसेस ड्यूरिंग महाभारत पीरियड, ठीक है. तो निर्मत पुराना को थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हुए, इसको कश्मीर, कश्मीरा महात्म्या भी बोला जाता है. ये एक एंशंट टेक्स्ट है फ्रॉम कश्मीर, जिसमें इंफॉर्मेशन मिली हमें कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिलीजन एंड फोकलोर, दैट मीन्स यहाँ के फोक्स एंड ट्रेडिशन वगैरह के बारे में. तो निर्मता इंपॉर्टेंट बनता है जानने के लिए कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है. ये जो निर्मत पुराना है ना, इसका कोई एक नोन ऑथर नहीं है, ठीक है. ऐसा बोला जाता है ग्रुप ऑफ ब्राह्मण जो है उन लोगों ने ये बुक लिखी हुई है. एंड इस बुक में तीन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, दैट मींस कश्मीर के जो जिसको बसकिंदर बोला जाता है उर्दू में, उसको जो बोलते हैं, ठीक है. अगर आपको उर्दू नहीं आती तो जो वहां के नेटिव्स हैं, जो वहां के बेसिक लोग हैं, एक्चुअल लोग हैं वहां के, वो तीन कैटेगरीज के थे. एक आपके नागास थे, ये एक ट्राइब है, एंड एक आपके पिसाचास थे एंड आपके ब्राह्मण्स थे. ये तीन टाइप ऑफ लोग जो है निर्मत पुराना के अकॉर्डिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं कश्मीर लैंड के. पिसाचास कौन हुए, जैसे आपने सुना होगा भूत पिसाच का नाम सुना होगा, तो ये वही लिटरल मीनिंग है उसका, पिसाचास उसी से रिलेटेड है थोड़ा, जो लोगों को पोजेस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ वो भूत प्रेत उस चीज से रिलेटेड. तो यही तीन जो थे ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के अकॉर्डिंग टू निर्मत पुराना. जो निर्मत पुराना थी ये किसने किन्ने लिखी थी, कश्मीरी ब्राह्मण्स ने, बिटवीन 6th and 7th century AD, ठीक. फिर हम कुछ इंडिजिनस, दैट मीन्स कुछ जो है वहां के लोग, फॉरेनर्स नहीं, जो इंडियंस ही थे वहां के लोग, उनके सोर्सेस देखते हैं कौन कौन से थे. एक तो निर्मत पुराना हो गया जो मैंने आपको बोला. सेकेंड इज योर, ये एक कुटाने मता कव्य है, ठीक है, एंड इट वॉज कम्पोज बाय दामोदर गुप्ता. ये जो इस
कंपोजिशन में हमें क्या पता चलता है? पता चलता है देयर वाज प्रेवलेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन अर्ली कश्मीर. ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस वर्क में, ठीक है, किस डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि देयर वाज प्रेवलेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन अर्ली कश्मीर, यू शुड नो इट वाज कुतान माता कव्य एंड इट वाज कंपोज्ड बाय दामोदर गुप्ता. ठीक है, एंड और एक पॉइंट है, समेंद्र ही बिलोंग्स टू द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल वर्क एंड इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दर्पादलन. ठीक है, ये भी आप याद रख लोगे. एंड और एक पॉइंट है बिल्हाना, इन्होंने लिखा है विक्रम विक्रमंका देवा सरितम एंड सोमा देवा भट्टा जो है ही रोट कथा सरित सागरा. ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये जो क्वेश्चंस है ये सिविल सर्विस एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं. ठीक है, बिल्हाना जो है ये रिपीट हुआ है यूपीएससी प्री में बहुत साल पहले, इसीलिए इसको इजी वाली कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं, जो जेके एस एस बी आपको पूछ सकती है. एंड एक बात याद रखो कि जेके एस एस बी जो एग्जाम है इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो ये नहीं सोचना कि आप कुछ भी पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख के जाओगे ना अच्छा स्कोर करोगे, नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है साथ में, लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके लिए. कॉम्पिटिशन जो है जेके एस एस बी में अभी काफी ज्यादा है आपके जेके पी एस सी के एस एग्जाम से भी, इसीलिए अपनी जो नॉलेज है पोटेंशियल है उसको आपको इंक्रीज करना होगा. राज तरंगिनी जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स कश्मीर का, एंड इनको लिखा था संस्कृत में बाय कल्हान. कल्हान को बोला जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग 12th सेंचुरी. अब आप सोचोगे निलमत पुराना तो पहले लिखी थी, लेकिन कल्हान को फर्स्ट हिस्टोरियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि निलमत पुराना का कोई एक पर्टिकुलर ऑथर नहीं था, वो बोला जाता है ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स ने लिखी थी. ठीक है, तो राज तरंगिनी जो है कल्हाना ने लिखी थी एंड कल्हाना ने निलमत पुराना को भी अपना बेस बनाया था. दैट मीन्स उससे भी उन्होंने काफी रेफरेंसेस जो है निलमत पुराना से ली थी और अपने राज तरंगिनी में लिखी थी. ठीक है, तो इस बुक में 7826 वर्सेस है एंड इनको डिवाइड किया गया है 8 सब बुक्स में या 8 सब चैप्टर्स में, जिनको तेरागास भी बोलते हैं. ठीक है, ऑल दो जो उसमें से फर्स्ट 3 बुक्स हैं वो उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, 4th बुक से जो इन्फॉर्मेशन है कश्मीर के बारे में उसको काफी ऑथेंटिक माना जाता है, पहली 3 बुक्स को नहीं माना जाता है. ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो अकाउंट है एक्यूरेट हिस्ट्री का वो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स है, क्योंकि कल्हाना पहले हिस्टोरियन है जिनने राज तरंगिनी लिखी एंड इनकी जो पहली 3 बुक्स लिखी हुई थी पुराने टाइम की वो उतनी एक्यूरेट नहीं थी, जो इनकी 4th बुक ऑनवर्ड्स हिस्ट्री लिखी हुई है वो एक्यूरेट है एंड वो आपका टाइम है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. ठीक है, फिर कल्हान के बाद इनको राज तरंगिनी को फर्दर किसने कंप्लीट किया? जोना राजा ने, एंड ये कंप्लीट हुई इन द रेन ऑफ जैनुल आबदीन. ठीक है, शुरू हुई हर्षा से, कंप्लीट हुई जैनुल आबदीन के टाइम पे, जो कि एक सुल्तान थे, इनके बारे में हम आगे जानेंगे जब हम आगे के लेक्चर्स अपने पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, पहले सोर्सेज हो गया कश्मीर के, फिर सोर्सेज जम्मू के, उसके बाद जो हिंदू रूल था यहाँ पे हिंदू रूलर्स, फिर लास्ट हिंदू रूलर कौन थे वहां तक हमें हाईलाइट्स देखनी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपका सल्तनत वाला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, फिर बीच में एक मंगोल इन्वेजन वाला टाइम भी आएगा सल्तनत के साथ ही, उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया. ठीक है, एंड उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या रही, एंड फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस थोड़ा बहुत, एंड इसको फाइनली हम कंक्लूड करेंगे थोड़ा करंट अफेयर से, जिसमें हम देखेंगे इसको यूटी बनाया गया, कौन से एक्ट वगैरह उस टाइम पे लाए गए. ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है इस वीडियो में हमारा एक फ्लो ऐसा रहेगा. ठीक है, जो राज तरंगिनी थी इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई थी, पर्शियन में कन्वर्ट किया मुल्ला अहमद ने ड्यूरिंग जैनुल आबदीन एंड इंग्लिश में कन्वर्ट किया था एस्टीन ने इन 1900. ठीक है, तो ये थे आपके इंडिजिनस सोर्सेज. आगे देखते हैं कुछ पर्शियन सोर्सेज, ये सिर्फ फैक्चुअल है तो आपको नाम याद रखने होंगे. सईद अली, उन्होंने लिखी है तारीख ही कश्मीर, और तारीख ही कश्मीर और एक इंसान ने लिखी है और एक ऑथर ने लिखी है, शाह हैदर मलिक चाडूरा. ठीक है, एंड जो सईद अली ने तारीख कश्मीर लिखी है वो उन्होंने लिखी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान यूसुफ. तो आपके नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जहां से आपको ये फिर रिवाइज करना इजी हो जाएगा. ठीक है, तो नारायण कौल आजिज जो है इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम भी तारीख कश्मीर था, एंड ही डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 1710 AD विच इज योर 18th सेंचुरी. ठीक है, बहारिस्तान शाही बाय अननोन ऑथर, फाइन. पंडित बीरबल कचरू, इन्होंने लिखी थी मुख्तसर तारीख कश्मीर, जिसमें इन्होंने हमें कहा था ही टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री अप टू कहां तक, सिख रूल.
ठीक है, इन्होंने सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिंदूज के बारे में भी कहा था। फिर मिर्जा हैदर दुगलत, इन्होंने लिखा था तारीख राशिदी, ठीक है, और इनकी बुक में हमें पता चलता है सल्तनत पीरियड के बारे में, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। फिर आपके अब्दुल कासिम बदौनी, इन्होंने लिखा था मुंतखाबे मुंतखाब तवारिक, ठीक है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था रिलेशन ऑफ अकबर विद दी चक रूलर्स ऑफ कश्मीर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं चक रूलर्स भी, ये हम सल्तनत वाले पीरियड में पढ़ेंगे। फिर अबुल फजल अकबरनामा, उसमें भी कश्मीर का जिक्र है, एंड जो एम्परर जहांगीर ने लिखी थी तुजुकी जहांगीरी, ठीक है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कश्मीर की अपने टाइम की वो डिस्क्राइब की गई है। ठीक, उसके बाद चाइनीज पिलग्रिम भी आए थे इंडिया कश्मीर में, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज ह्यून सैंग, ही विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। तो इन्होंने काफी जो है कश्मीर का अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छा अकाउंट हमें दिया है, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। तो बेसिकली कैसे पता चलता था जगहों के बारे में, अगर आज हम बोलते हैं कश्मीर में ऐसे ऐसे हुआ था, उस जमाने में ऐसा ऐसा होता था, क्योंकि ट्रैवलर्स होते थे, ट्रैवल करते थे, एक फॉरेन से आते थे, जैसे चाइना से इंडिया आ गए या इंडिया से चाइना चले गए, तो ये कुछ बुक्स लिखते थे उस टाइम की, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब ये कितनी एक्यूरेट है कितनी नहीं है वो तो अब कोई, खैर कोई नहीं बता सकता, पर जो हमारे पास फिलहाल इंफॉर्मेशन है वो यही है। ठीक है, तो बेसिकली एक एनवॉय गए थे कश्मीर से चाइना टैंग डायनेस्टी के टाइम पे, इंडिया से चाइना वहां टैंग डायनेस्टी के टाइम पे, और उसके 90 ईयर्स बाद ह्यून सैंग जो है वो कश्मीर आए थे, ह्यून सैंग, ठीक है, तो आगे भी हम लेक्चर्स में थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। अनादर चाइनीज पिलग्रिम ओ कोंग जो है वो आए थे कश्मीर 8th सेंचुरी में, 759 AD। अभी जो ह्यून सैंग है, फाइन, इनका तो नाम फेमस है कि कश्मीर में आए थे, लेकिन अनादर चाइनीज पिलग्रिम ऑल्सो ओ कोंग जिनको बोलते हैं, ये भी यहाँ पे आए थे। तो अगर एग्जाम में ह्यून सैंग का नाम नहीं होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड नो इट इज ओ कोंग, ठीक है। एंड अनादर वेल नोन मुस्लिम स्कॉलर अल बरूनी, ही विजिटेड इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने अटैक किया था इंडिया कश्मीर पे भी, उसका क्या हुआ बाद में वो हमें आगे देखना है। तो उनके साथ ही आए थे कश्मीर, इंडिया आए थे, कश्मीर नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन इनकी जो बुक थी उसमें इन्होंने कश्मीर के बारे में भी अच्छा खासा लिखा था, काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, उस बुक का नाम था किताबुल हिंद। ठीक है, ये तो थे चाइनीज भी हो गए, मुस्लिम रूलर भी हो गया, मुस्लिम अलबरूनी भी हो गया, ठीक है, एंड एक यूरोपियन ट्रैवलर भी थे फ्रांसिस बर्नियर, जो कश्मीर आए थे 1665 AD में, एंड हिज वर्क इज ऑल्सो नोट वर्दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ही इनका नाम यहाँ पे प्रेजेंट है। यूरोपियन ट्रैवलर में कौन आए थे कश्मीर, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी गेट एन आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैली ऑफ दैट टाइम, ही वॉज फॉलोड बाई सेवरल अदर ट्रैवलर्स हुज अकाउंट्स आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब हम सिर्फ कश्मीर नहीं पढ़ रहे, हमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री देखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पेड वीडियोज में होगा, उसमें हम जम्मू की जो सोर्सेज है वो डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है J&K की, पहले हिंदू रूलर्स एंड उसके बाद आपका सल्तनत, मुगल, मॉडर्न एंड फिर करंट, वो सारा उस फ्लो में चलेगा, ठीक है। तो डू बाय द कोर्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।